हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस पी टी ब्लॉग्स। तो गाइस कैसे हैं आप सब, होप करते हैं आप सब ठीक होंगे। भाई आज डेट है 1 मई, सुबह का वीडियो भाई आपने देखा होगा, और अभी शाम के टाइम वापसी मंदिर के लिए जा रहे हैं। हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, और यहाँ का मौसम देखो यार, एकदम कोहरा टाइप हो रखा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। आप इस तरफ देखोगे ना तो इस तरफ से लाइन आया करती थी, नीचे से जो यात्रा थे ना वो इसी तरफ से आते थे, लाइन लगती थी। भाई बिल्कुल यात्रा बंद कर दी है, क्योंकि कल रात से जो स्नोफॉल चल रहा ना उसके बाद में यहाँ पे हाई अलर्ट है कि यात्री जो आ रहे हैं ना उनको नीचे भेज दो, और नीचे वालों को ऊपर आने दिया नहीं जा रहा है। तो यात्रा रोक दी है, सभी कह रहे हैं यात्रा रोक दिया। तो भाई प्लीज़ आप वीडियो देख रहे हो, मैं यहाँ की इन्फॉर्मेशन जरूर दे रहा हूँ, बट आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, यात्रा करने अभी मत आओ प्लीज़, हालत ख़राब हो जाएंगे। मैं थक रहा हूँ वीडियो बनाते हुए, काफ़ी लोग यहाँ पे भाई परेशान हो रहे हैं। बाकी ऊपर मंदिर चलते हैं, मंदिर पे देखते हैं क्या हाल है, वहाँ पे यात्री हैं या फिर चले गए। भाई यहाँ से मंदिर है ना क्लियर दिखता है, बट अभी देखो आपको मंदिर बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, मंदिर नहीं दिख रहा भाई बिल्कुल भी, इतना ज़्यादा कोहरा और चारों तरफ धुंध ही धुंध, और बारिश भी स्टार्ट हो गई अब। ये सब लोग यात्री जो आए थे दर्शन करके वापसी जा रहे हैं नीचे की तरफ। भाई यहाँ से भी मंदिर है ना देखो इतना क्लियर ही दिख पा रहा है, और जो यहाँ पे आप देखते हैं ना हर रोज़ भीड़ देखने को मिलती है, पैर रखने की जगह नहीं होती है वहाँ पे, भाई बिल्कुल भी पब्लिक नहीं है, ऐसे खाली पड़ा। देखो इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, मौसम की वेदर बिल्कुल ख़राब हो चुका है, और बर्फ़ें देखो ऐसे लोग गिरा रहे हैं नीचे, पूरे दिन की जमी हुई बर्फ़ है ये हाल है भाई। और ये मंदिर है भाई बिल्कुल धुंध धुंध हो गई चारों तरफ, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ पर जो नाचा करते थे, एक्सट्रीम वेदर ख़राब होने की वजह से सब लोग अपने रूम वगैरह जो भी इन्होंने ले रखे हैं वहाँ चले गए हैं, अदरवाइज़ वापसी नीचे चले गए हैं, क्योंकि आज बहुत सारे यात्रियों को नीचे भेज दिया गया है। जब आए थे तब यहाँ पे ना स्नोफॉल नहीं थी, और थोड़ी दूर पहुँचे मंदिर पहुँचते हैं ना देखो स्नोफॉल फिर से स्टार्ट हो गई है, रुकती नहीं है भाई, पूरे दिन में रुकने का ही मौका नहीं देती है, आने का भी मौका नहीं मिलता हमें यहाँ। एक तो भाई 1 किलोमीटर दूर है, यहाँ आते हैं ना तब तक स्नोफॉल फिर से स्टार्ट। हाँ मंदिर वैसे भी पूरा नहीं दिख रहा था, अब स्नोफॉल स्टार्ट हो जाएगी फिर से भाई, यहाँ नज़दीक से खड़े हुए भी पूरा नहीं दिखेगा, और इतनी तेज़ वाली स्नोफॉल स्टार्ट हुई है ना, ये देखो 2 मिनट के अंदर, ये देखो छाते के ऊपर कितनी ज़्यादा बर्फ़ जम गई है। ओह भाई एक्सट्रीम वाली ठंड बढ़ रही है धीरे धीरे यहाँ पे। भाई यहाँ पे जो मंदिर के बाहर नंदी है ना वहाँ पे हमेशा भीड़ रहती है, बट आज भाई बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, स्नोफॉल तेज़ होते जा रही है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आगे वैसे वैसे स्नोफॉल तेज़ हो रही है शाम होते होते, और अभी तो पूरा ही खाली होना स्टार्ट हो गया। पीछे वाली साइड भाई लोगों ने टेंट लगा रखे हैं, उधर चलते हैं उनका क्या हाल चाल है, क्योंकि टेंट के ऊपर ज़्यादा बर्फ़ गिरने से ना पहले भी है ना 2-3 लोगों की मौत हो गई है, क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा गिर गई थी और टेंट टूट गए थे इसकी वजह से। तो भाई पीछे की तरफ तो बड़ा कंडीशन ख़राब है इस स्नोफॉल के अंदर, भाई कैंपिंग की अगर कोई सोच रहा है तो बताना, कैंपिंग नहीं हो पाएगी यहाँ पे। जब ये पीछे की साइड भीमशिला जिसके पास में भाई लोगों ने ना सारे कैंपिंग टेंट यहीं पर लगा रखे हैं, ये देखो भाई लोगों के टेंट टूट भी गए हैं यहाँ पे यार, ये वाला देखो ऐसे पड़ा है, वो वाला भी वैसे पड़ा है। ओ हो भाई ख़राब है, लोग बाहर ही निकल रहे हैं, जो अंदर घुसे हुए ना वो बाहर निकलने का नाम ले रहे हैं। देखो बर्फ़ें ऊपर साइड में बर्फ़ें, ये देखो इस टेंट का हाल देखो, इसके तो अंदर पानी वानी घुस गया, तो ये वाले टेंट तो बिल्कुल कामयाब ही नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, ख़राब भाई कंडीशन टेंटों में। तो जो लोग रुक रहे हैं ना जिनके पास बढ़िया वाले मैट्रेस और कैंपिंग टेंट है ना वही रुक पा रहे हैं, अदरवाइज इसमें तो गुजारा हो ही नहीं रहा यहाँ पे। भाई 1 मिनट के लिए अगर छतरी हटा के और ऐसे खड़े हो जाए ना तो 1 मिनट के अंदर तो मुंह के ऊपर पूरे शरीर पे ना पूरे कपड़ों पे देखो वाइट वाइट जम जाता है। रुकवा दो ये स्नोफॉल तो यात्री आ पाए दर्शन करने, श्रद्धालु भाई बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है लोगों को इस बर्फ़ में, इस बर्फ़ में स्नोफॉल में ना काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, रहने की खाने की पीने की सब चीज़ों की, भाई होटलों में पानी नहीं आ रहा, भाई लोग परेशान हैं, लोग बताते हैं कि ये पानी आता नहीं है, करें तो करेगा ठंडे पानी से भाई कुछ भी नहीं होता, ना पिया जाता ना कुछ और नहाया धोया कुछ भी नहीं जाता। तो हम जहाँ रुके ना वहाँ तो भाई काफ़ी सारी व्यवस्था है, पर फिर भी हिम्मत नहीं करती कि हम जाके गर्म पानी भी पी पाएँ। स्नोफॉल हो रहा है धीरे धीरे तेज़, ये देखो वाइट हो गए हम पूरा का पूरा एकदम, जय भोले बाबा। तो आज के दर्शन अभी चलते हैं भाई वापसी आश्रम पे और रेस्ट करते हैं, क्योंकि अब ठंड बढ़ने लगी है, और यात्री जो थे ना लाइन में देखो अभी भी ऐसे कैसे लगे हुए हैं स्नोफॉल के अंदर भी, क्या यार क्या बात है, इनको देख के तो ना मैं सोचता हूँ मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसे इतने स्नोफॉल के अंदर भी नीचे से यात्रा करके हैं और आते हैं सीधे लाइन में लग गए। नमस्कार
भाई इतना खाली केदारनाथ चार धाम यात्रा ओपन होने के बाद में कभी नहीं हुआ होगा, किसी साल नहीं हुआ होगा जितना आज खाली देखने को मिल रहा है। भाई भाई बंदे हैं नहीं, बिल्कुल इंसान देखने को नहीं मिल रहे जो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं पहले से और रुके हुए हैं, जैसे हम हैं या फिर कुछ लोग और हैं वो है, अदरवाइज जिन्होंने दुकान लगा रखी है वो भाई, और कोई नहीं है, देखो खाली पड़ा है पूरा। भाई आ गए हैं वापसी अपने जहाँ पे विश्राम कर रखा है, अपने आश्रम पे जाएंगे भाई, रेस्ट करेंगे। हालत भाई ज़्यादा ख़राब हो जाती है, थोड़ी देर के लिए जाते हैं और अपडेट जो भी होता है वहाँ पे। आज का भाई यही अपडेट है कि स्नोफॉल यहाँ हो रही है भयंकर वाली, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है ना यहाँ पे कि यात्रियों को भाई सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उनको। भाई अगर आप यात्रा करने आ रहे हैं, आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। भाई यहाँ की जो भी अपडेट होगी आपको ज़रूर मिलेगी हमारी तरफ से जितना हुआ, जितने दिन हम यहाँ पे हैं। बाकी तो भाई सब ठीक है, अभी आ गए हैं, जाएंगे खाना पीना करेंगे, राम जी का भजन गाएंगे और सो जाएंगे। भाई मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ। बाय बाय जी।